आईटी ने खुसूसी तौर पे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को जागीरदार, इजारदार, नवाब, राजे, महाराजों को सिर्फ शतरंज उठाने के लायक काम किया है। हमाल, दलाल, मजदूर बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपके 50 साल की उपाधि का सिला आपको दिया, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, बाबरी मस्जिद की शहादत, सैकड़ों फसादात, हजारों कत्लेआम, ऐसी पार्टी में क्यों जाया जाए? मुसलमानों को आज जो हालात है, तमाम बर्बाद मुसलमान, हर माशरे में मुसलमान परेशान है, वो सबसे बड़ी देन है कांग्रेस। बैल जोड़ी थी, बाप दादाओं ने साथ दिया, गाय बछड़ा था, साथ दिया, पंजा। मैं अक्सर कहता हूँ आप कांग्रेस की निशानी रहेंगी कटोरा, क्योंकि मुसलमानों की हालत ही करती। बंधुआ मजदूर ये कहां जाएंगे? लातिन कुटो जाएंगे कहां? भाजपा को वोट मारते नहीं, सेना को वोट मारते नहीं, फिर कांग्रेस का ऑप्शन नहीं, पर्याय नहीं। मेरे साथियों, ऐसी मक्कार पार्टी, ऐसे लोग, तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। मैं फिर सोचा क्या किया जाए। समाजवादी पार्टी, जो राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी और जयप्रकाश नारायण, जो जुल्म, नाइंसाफी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी, वो पार्टी ज्वाइन किया और मैंने काम शुरू किया। 2009 तक समाजवादी में काम किया, उसके बाद पार्टी छोड़ दिया। जो पार्टी में कोई डेवलपमेंट, पार्टी अच्छी थी, ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तब से खामोश बैठा था। तो एक केजरीवाल नाम का तूफान आया, हर बच्चा, हर आदमी केजरीवाल साहब को चाहता है, उनके स्टेटमेंट, उनका काम। तो दिल्ली के अंदर जो इंकलाब जनाब केजरीवाल साहब ने लेके आए, जो उनकी आइडियोलॉजी है, कथनी और करनी एक, ऐसे मर्द मुजाहिद अरविंद केजरीवाल साहब के आम आदमी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी फितरत के अंदर है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। मैं केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। साथियों, पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहले ही शुरू बिस्मिल्लाह जो कहा जाता है, शुरुआत श्री गणेशा, मैं चलो बालापुर से करता हूं। क्यों? ये बालापुर शहर जो है एक हिस्टोरिकल शहर, लेकिन यहां के रहने वाले लोगों को, मैं तो बोलता डॉक्टर साहब, मोरे साहब, यहाँ के रहने वाले लोगों को रेमन मैगसेन पुरस्कार, यहाँ के रहने वाले लोगों को नोबेल पारितोषिक देना चाहिए। कितना भी जुल्म करो, इनको कुछ नहीं चाहिए। 60 साल से एक घर में नगर पालिका है, एक खानदान के बाहर। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जाके देखो साथियों, दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में, मैं हमारे यहीं की बात नहीं कर रहा, इतना बदकार, थर्ड क्लास, विदाउट डेवलपमेंट वाला गांव तुमको नहीं मिलेगा। बस स्टैंड नहीं है, रेस्ट हाउस